तो मैंने फैमिली लाइफ आउ वर्क लाइफ बैलेंस करने को तो बहुत कष्ट हो कहीं टोटल लोक मरिया ठू आरंभ लोक घर भांगे आरंभ करके लोक को एमती कि खाद्य बंटा सहित आरंभ सबकि मानने आर आई उपर डिपेंड करे के पा मानते मु तो देख ली प्राइम प्राय वेबसाइट देखिए 5.5 इट मैंने अर्थात कंबाइन रिक्रुटमेंट एजेंसी एक्जामेसन जेहतु ICDS सुपरभाइजर अच्छी आर आई अच्छी ए आर आई अमिनो एस एफ एस जेहतु एक्जाम मात्र पाखापा 5-7 दिन अच्छी पिला अधिक रिविजन उपर फोकस करेंगे ना मॉक टेस्ट उपर फोकस हेलो गाइज वेलकम टू विश्वजीत दास सिविल सर्वेंट चैनल आज आम पाखे अच्छा द मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट हैंडसम आओ एवं बर्तमान सी आर आई की जब थी बर्तमान आर आई जब रु छाड़ी बर्तमान हाईकोर्ट एस रे बर्तमान पोस्टिंग अच्छा बर्तमान संग्राम भाई संग्राम भाई गोटे जोरदार ताली मार समस्ते संग्राम भाई आज पूरा बुझा जेहेतु मानने आसंता 20 तारीख रु आर आई एग्जाम हवाक जाऊँ से आर आई एग्जाम भाई केमी लास्ट मुमेंट प्रिपेरेसन केमी करमी प्रिपेरेसन भाई करेंगर कौटी कौन पोस्टिंग कौन कौन मेरीट कौन कौन डिमेरीट आर आई एग्जाम बर्तमान आम टोटाल भाई को सब जाना आउ जो मैंने प्लीज जो मैंने आर आई आमिन कि ए आर आई एग्जाम दूसरे प्लीज आप लास्ट मैंने लास्ट पर्यटन देखु मु तो बहुत किसी भाई शिखी आउ तुम्हें मैंने भी किसी शिख भाई आप नाटा मो ना संग्राम किशोरी साहू आप आर आई जो पोस्टिंग कौट पोस्टिंग कंधमाल डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग आपंक 162 पाखापाखी आपर आर आई एग्जाम के जब कले आर आई 1.5 वर्ष पाखापाखी बर्तमान एवं आपड़े एग्जाम दे 2020 पाखापाखी से सिलेबस अलग था एवं बर्तमान सिलेबस अलग से क्वेश्चन पैटर्न भी अलग था एवं भी पैटर्न अलग से सिंगल एग्जाम होता एवं बर्तमान प्रिलिम्स हम तापर मेन्स हम तापर जा आहरी बहुत सारा प्रोसेस अच्छी बर्तमान जहाँ भी से ही प्रोसेस और ये प्रोसेस भी तो डिफरेन्ट अच्छी ये प्रोसेस टी निहाती कष्ट कि जी पोस्ट बाहर था एवं ता पोस्ट टी निहाती अधिक पोस्ट बाहर तो पिलाने कौ भाई प्रिपेरेसन न्यू जो पैटर्न आसी जो एवं सीबीटी मॉडल कर दे तो से केमी से प्रिपेयर हो पारे नॉर्मली लास्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम थिला तो ऑफलाइन जेतु थिला गोटे गोटे एग्जाम ही थिला ऑल ओडिसा गोटे दिन एग्जाम ही थिला समस्त दे थिले तापर पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट ही थिला तापर पिला मानु प्रोविजनल लिस्ट आसी ही थिला एथर कोन होय थिला सीबीटी 1 अछि से 100 मार्क रो सीबीटी 2 भी अछि केछेटा केते मार्क रो 100 मार्क रो 100 तो नॉर्मली प्रिलिमिनरी रे ओडिया अछि इंग्लिश अछि जीके अछि रीजनिंग अछि मैथ अछि माने एते सारा सब्जेक्ट सब पढ़ी कोडे कोडे टा क्वेश्चन अछि कोडे कोडे मार्क प्रीलिम कथा कोछ हां प्रीलिम कथा आ नेगेटिव 1/3 अछि मेन रे सेम अछि फरक एति कि प्रीलिम रे जो रीजनिंग अछि मेन सेटा कंप्यूटर अछि आ नले सेम सिलेबस मैथ मैथ इंग्लिश इंग्लिश जीके जीके आ ओडिया जेंति अछि एडा हमर जो ओपीएस प्रीलिम रे नॉर्मली प्रीलिम जने जेत अछि पिलांगर कोडियो रो आरंभ होछि प्रिलिमिनरी पई पिला माने जा देखु थिबे तो प्रिलिमिनरी पई ओडिया इंग्लिश जीके रीजनिंग मैथ कोडी 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 विशेष कर को बुक फॉलो करले ओडिया इंग्लिश पई माने को बुक फॉलो करले से माने ओतरे ओडिया पई बेसिक जहां पाखर जो ग्रामर बही अछि प्राय तो समस्त सारस्वत प्रेफर करले सारस्वत आमे बुक स्टोर रे देखि थिबे ब्लू रंगर से बहीटा तापरे सारस्वत ब्लू ब्लू रंगर हां नीले रंग ऊपर थाए आ जदि थिबो किछि कार जदि नॉर्मली 9 10th रो कि चाहेबे देखि परिबे आ प्रतिशोध विपरीत पे जे के भी अलग प्रेफर करि परिबे बेसिक मो मतरे छोटो भाई हिसाब रे जल्दी सारी हो सारस्वत देखन तो तापरे सारस्वत इंग्लिश इंग्लिश पे जहां को जोटा बेसिक धरो को भी नीतू सिंह का क्वेश्चन का एसटी बॉक्स क्वेश्चन तब आके से यदि से जे जो ऊपर से एक पर जो वयस तो अकॉर्डिंग जे तो आउ तो 4-5 दिन होला आज ही गला अपनकर प्राय 14-15 तारीख ही गला आउ तो 4-5 दिन पर एग्जाम आरंभ हो पिला माने ऑलरेडी पढ़ी के थिबे तो बस खाली 4-5 दिन खाली ओवरलुक करिया कथा तांकर जति बही थिबो आउ तापर मेन पे प्रिपरेशन से तो अलग रहइबो निहाती जो माने फ्लो रे थिबे तांकर आउ टिके बूस्ट हो तो एकदम मते रे 5-6 दिन पे बेसिक जो बही अछि ताकु ही देखु नुवा केछि देखु आउ मैथ रे मैथ जे जो प्रैक्टिस करि सन जो बेसिक तांकर अछि ताकु ही पढंतु आउ 5 दिन पे मु कहबे कि स्पेसिफिक टाइप रो धर परसेंटेज रो किछि टाइप अछि ताकु खाली देखि दियंतु रेशियो प्रोपोर्शन रो किछि टाइप अछि टाइप पडा देखि दे जानतु आ जेतु स्पेसिफिक सिलेबस किछि मेंशन करिनि अप टू हाई स्कूल जेतु लेखि जी सब विषय रे टिके टिके
आईडिया रहा दरकार कहीं बेसिक भी पकेब सिंप्लीफिकेसन भी पकेब मेन्सुरेसन भी अच्छी जेमोट्री पर कौन मेनसन ना कि ट्रायग्नोमेट्री ना जेहतु मेन्सुरेसन जाए ही रही है रिजनिंग रिजनिंग से नंबर सिस्टम एनालॉजी तो एबे तो आसंदा काली गत काली तो तार एडमिट कार्ड बाहर दे छी तो केते पिल्ला प्रिलि माने मु तो देखलेनी प्रीमियम प्राइम प्राय वेबसाइट जति देखो छी 5.5 बिट माने अर्थात एटा कंबाइन रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जामिनेशन जेतु एतरे आईसीडी सुपरवाइजर अछि आरआई अछि एआरआई अमिनो एसएफएस तो पांचटा पोस्ट में अछि जेतु माने टोटल 5.5 लाख बगाबी 5.5 लाख 58000 जति की वेबसाइट रे शो करू छी देखी पारे समस्या रिक्रूटमेंट सेल अच्छी तो से प्राय जेहतु इतर समस्त सुपरवाइजर केवल फीमेल कैंडिडेट पे अच्छी आउ अलग पोस्ट में समस्त जहाँ अति अच्छी जहाँ बेले 5 लाख पाखापाखि एग्जाम देते एग्जाम प्रोसेस किंतु माने एमिति प्रीलिम्स रु मेंस पई केते जण क्वालीफाई होय से किछि नोटिफिकेशन मेंशन अछि केते टाइम लेबे 15 टाइम्स ना केते लिखा है जे कि मोटिक से कहि परबे ने नोटिफिकेशन देखिले ही पढ़ा पड़ जइबो किंतु एबे प्रीलिमिनरी ता जेहेतु पूरा मासे पे लिखी छि से लिखी छि 20 सेप्टेम्बर रु कंटिन्यू हबो 20 अक्टूबर जाय ता भीतर भी सरी गला देन ठीक अछि आ सब डिस्ट्रिक्ट रे निजो निजो सेंटर अछि सब डिस्ट्रिक्ट रे सीबीडी पई सिस्टमेटिक करा है छि ओ ट्रिपल एस तरफ रु तो एग्जाम शेड्यूल फास्ट शिफ्ट सेकेंड से थर्ड के सीफ्ट अच्छे जना पड़े एडमिट कार्ड कालू जेहतु साइड जाम थी प्राय समय पाइबी एडमिट कार्ड तो मो मत सीबीटी कंटिन्यू चलो फास्ट दुई दिन पर पिला आईडिया आस क्वेश्चन आस 100 मार्क्स कहले टोटल 100 मार्क्स के कट ऑफ जाई पारे माने प्राय प्रिलिमिनरी जेहतु रखुं प्रिलिमिनरी जेहतु टोटल अराउंड 3000-4000 वैकेंसी जेहतु अच्छी प्रिलिमिनरी जेहतु मो मत जनरल कैंडिडेट 65-75 रहा तो जब डिपेंड कर सीफ्ट हम कहीं नर्मालाइजेसन अच्छी नर्मालाइजेसन पर पिला प्रिलिमिनरी कट ऑफ निया पुणी रिजर्वेशन अच्छी सबको देखिकी आवरेज से जनरल कट ऑफ 65-75 तो क्वेश्चन जो इजी पड़े से हिसाब से ठीक है अधिक अटेम नवा पड़े तो क्वेश्चन पर फास्ट इजी लास्ट को डिफिकल्ट हो पारे फास्ट टू डिफिकल्ट लास्ट भी इजी हो पारे किसी भी हो पारे इतने लॉन्ग टर्म में तो किसी भी माने वंस ए जॉब रे माने तापर बहुत पिल्ला बहुत दिन वेट कर जून फेब्रुआरी जून तापर पुनी अगस्त तापर पुनी सेप्टेम्बर माने जा फाइनली तार एडमिट कार्ड माने आसी तो पिला तो उत्साहित देखे मानते मिलूँ देखा बहुत पे उत्साहित होते कहीं से मैंने बहुत दिन आतीक सारा पोस्ट ओडिशा के सारा पोस्ट बाहर ना पाखापाखि 4000 पाखापाखि पोस्ट आस पोस्ट आगु के बाहर ना तो पिला से बहुत उत्साहित अच्छे आउ भी बहुत सारा र्यूमर होता कि आहरी किसी पोस्ट आड हो पाए आड हो पोस्ट जेहतु किसी बाहर जेहतु रिक्रूटमेंट प्रोसेस आरंभ हो जाए कौन सी प्रकार मतलब लगुनि कि एक्सटेंशन हम किसी हाई हम किसी पोस्ट पर बाहरी पड़े से अलग कथा कि एवं जाए तो से वैकेंसी अच्छी पर जदि किसी अपडेट आसो देन ठीक कथा कि एवं जाए तो से वैकेंसी जो सिलेक्शन प्रोसेस मत लगुनि कि जेहतु प्रिलिमिनरी बाहर सारे मे बी पर मत लगे हम कहीं से फिक्स थी ना प्रिलिमु ये टाइम्स तो ने मेन ना तो मत लगुच फिक्स रही है वन से जब आरआई कौट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कंदा को आरआई सर्कल मोरो चकापा तहसील से चाहाळी चाहाळी माने सेठी ये जो काम आमे जानु छ जे रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रबल काम जेतु मु भी रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रे काम करछु मु जानि छ कि किछि हौ कि न आमे आरआई को सब काम ठेल दउ छ तो प्राय जानि छ अपन प्राय पासपोर्ट आरआई रिपोर्ट तो यही थे तो माने फैमिली लाइफ आ वर्क लाइफ बैलेंस करने को तो बहुत कष्ट हो कहीं टोटल लोक मरिया आरम्भ को लोक घर भांगिया आरम्भ करके लोक को एमती कि खाद्य बंटा सहित आरम्भ सबकि मैंने आरआई पर डिपेंड करे तो आरआई बहुत कम करती लोक जी बुझे अधिक कम करती जो मैंने डिपार्टमेंट कहले कि नहीं डिपार्टमेंट अच्छी जेहे आप बुझुं कि बाहर के लोक आस तो निहाती कहीकि आरआई कौन कर आरआई रत कम से पोस्ट को गला पर से माने जानिबे जिम्मेदारी बहुत थाए आउ रेस्पेक्ट भी बहुत मिले यदि आप भलसे निजक रखी पारे से प्लेस रे तो मो मत भल रेस्पन्स मिले तो तुम सफलता रहस्य तो किसी थी कहीं फास्ट तुम जूनियर क्लर्क थोपर आरआई आरआई पुणी हाइकोर्ट एस हाइकोर्ट एस एथरक पुणी ओपीएस प्रिलिम्स क्वालिफाई करके मेन्स जस्ट किसी मार्क कटिज
निहाती तो किसी ना कि मानने थी जो जार सक्सेस रही आम भिवर्स मान को जहां से जान कहीं तो जानी मुझे तीसटा पैंतीसटा एग्जाम दे मोर कौन से एग्जाम हो ना भगवान कृपा कमी गोटे एग्जाम होगा सहीटा मानते मानते भगवान पाखे बहुत ऋणी क्योंकि तुम तो कंटिन्यूसली चार पाँचटा एग्जाम क्वाफाए अलरेडी कर सारे तो तुम जानी थो मैंने केमी केटेन्टली पढ़ुल और केतने निज को साक्रिफाइस कर मोबाइल फोबाइल कि केमी आवोड कर से विषय टेम व्यवस्था को जन तो पढ़ा को नहीं कि समस्त निज निजर सिलेबस थाए समस्त निज निजर गोटे सेटअप थाए कि मत रात पढ़ा भल लगे क्या दिन में पढ़ा भल लगे क्या शोक उठी पढ़ा भल लगे कि कह कि मुझे रास्त पढ़ा भल पाए तो किए क्या पीडीएफ पसंद क्या टैबलेट क्या कंप्यूटर ये सब निज निज सिलेबस ताद मुझे कहि कि पढ़ा कंटिन्यू था परसिस्टेंसी कह कि परसिवेरेंस कह जहाँ भी कह तो मो मत कंटिन्यूटी था धर मुझे कहि कि आज मुझे अध घंटे पढ़ली कल घंटा है जीरो न हो जीरो हेल्ला कहते दिन गैप लगे कि मुझे किसी भूली गली कि मन पड़ा नहीं कि आज जो दिन भाव कि मुझे सब पढ़ीदेली सब तो कहीं पढ़ी हुए लगे कि मुझे सिलेबस कम्प्लीट है ही एग्जाम खराब हुए आज से भाव ना एग्जाम खराब होगा आउ पढ़ी सेमती ना पढ़ाक पढ़े सका उठ पुणी पढ़ मत पढ़वार अच्छी पुणी खराब हम एग्जाम पुणी पढ़वार अच्छी एग्जाम दुदिन खराब हम तीन दिन खराब हम ये एग्जाम देता प्राय जानते केत एग्जाम खराब करेंगे कौन रेट्रे फिल हुए आउे पिला स्टाटस सब बेस टेनसन दिए क्या एग्जाम होगा ता एग्जाम होगा क्या यहाँ होगा ताद मो मतलब कंटिन्यूस पढ़वार अच्छे पढ़ाप कौन टाइमिंग न था जो भी इच्छा से पढ़ आउ फ्रीने निज हिसाब से मत बुलाक पसंद बोल क्या खावाक पसंद खाओ क्या मुवि पसंद देख कितु निज फ्रीने निज पढ़ा से निज हिसाब से था ए बर्तन जेहेतु मनकर ऑनलाइन एग्जाम हो पिलांकर कौन मैंने अधिक एवं रिविजन मानते जेहेतु एग्जाम मात्र पाखापा पाँच सात दिन अच्छी पिला अधिक रिविजन फोकस करेंगे ना मॉक टेस्ट पर फोकस करेंगे मो मत पिला दिन को गोटे मॉक टेस्ट दिखाते बेसी दिखते एडमिट कार्ड डाउनलोड कला बेले गोटे मॉक टेस्ट व्यू आसूँ देखिपे इंटरफेस केमती अच्छी नॉर्मली टेक्स्ट बुक थी आडा थी कैरियर पावर थी बैंकर्सा थी जहाँ जो टेस्ट अच्छी दिखते हैं बेसी टेस्ट दिखते हैं गोटे दुटा टेस्ट दिखे कहीं कन्फिडेन्स लुज जो एग्जाम होगा बस खाली आईडिया क्या फास्ट टाइम जो आर आई एग्जाम होबीटे तो आईडिया था कि मतलब एग्जाम एमती इंटरफेस आसो मत 90 मिनिट्रे 100 क्वेश्चन करार अच्छी तो मुझे कौटा के टाइम दे तो दिमाग यह सेटअप था कि मुझे फास्ट कौटा करी क्या जिके जिके बहुत जल्दी पढ़ीहब ओडिया बहुत जल्दी पढ़ीहब रिजनिंग टे दिमाग खटाक पड़ो मैथ को कई कई लास्ट करते कई फास्ट भी करती कि मो मत मुझे कहि कि मैथ को लास्ट को रख लास्ट कहीं जेहतु 90 मिनिट रही प्राय समस्ते करते कि जो फास्ट 20 क्वेश्चन जीएस दिखते कारण जीएस पढ़ने आसूसी तो क्लिक करते ओडिया भी पढ़ले जल्दी हो तो ओडिया जीएस आउ इंग्लीश रिजनिंग ये चार्टा को मो मतलब फास्ट पार्ट रखुद जोद्वारा कि भल फिल हम आदि कोई क्वेश्चन न आसूसी से सांगे सांगे क्वेश्चन देखुं आसूनी मैंने सीधा पर टपिक को पढ़ाते ना से दिमाग से ब्लक हो आ चेक करूँ कि गोटे गोटे टपिक सरलापर मोर के टाइम गला तो टाइम उपर भी नजर था कि लास्ट टाइम टाइम को बेस देखते ना पांच मिनट थी पीला ओरी तो लास्ट मो मत फास्ट 45 हाफ ट्राए करूँ एपटे 80 क्वेश्चन पर सेकेंड 45 हाफ जो मैंने टी ना थे 20 क्वेश्चन पर 40 मिनट काफी 30 मिनट अध घंटे तीन टा अध घंटे स्किप करदे तो देखिए कि कौन कौन टाइम कौटा करेंगे लास्ट को सहीटा मॉक टेस्ट में भी प्राक्ट करेंगे कि मॉक टेस्ट नहीं मॉक टेस्ट जेहतु मुझे जानी जीत मॉक टेस्ट आसे तो पर्टिकुलर ओडिशा गवर्नमेंट प्राय तो मॉक टेस्ट परफेक्ट आसे कि एसएससी जेहतु 25-25 रहे देखिपर से घंटाटे 25-25 रहे ओडिया को छाड़ देते कारण ओडिया से नौ सब तो आज इट थी तो से किसी पाइजे कि मुझे 60 मिनिट के क्वेश्चन करूँ 60 मिनट से छुआ 50 भी क्वेश्चन करुच्छे आगे 30 मिनट मिलूँ ना ओडिया तो 20 क्वेश्चन तो आराम 20 अटेम्प्ट अटेम्प्ट मो मतलब 80-85-90 जब जहाँ आसूस करपरतीपर जी गल नमेरेसन स्कोर होतान संग्राम भाई कह तो से निजे बहुत सारा एग्जाम तो क्वाफाई कर आदर्श एवं मुझे मैं 4-5 वर्ष है कंटिन्यूसली देखी देखी आसूँ केमी मानने कौ हिसाब से पाठ पढ़ा जाए केमी कौन कराए भाई ये तो दु तीन थर प्रिलिम्स भी ओपीएससी प्रिलिम्स भी क्वालिफाई कले तो किंतु मेन्स अटकी जाऊँ तो आम भी होप कर भाई यूपीएससी भी हो जाओ कहीं गोटे बार एग्जाम से क्वाफाई करथर निहरी से क्वाफाई करेंगे भाई अल दि बेस्ट आमर जी आसपेरेन्ट्स अच्छा जी आर आई अमीन एयर एग्जाम दे
आम उभय तरफ ऑल द बेस्ट एवं समस्ते निहाती एथरक जेमिते समस्त क्रैक हम एति आमर जगन्नाथ में प्रार्थना भाई आ लास्ट कुछ कह दे कि हमें क्लोज करिया एग्जाम पे समस्त ऑल द बेस्ट पढ़ु था कंटिन्यू पढ़ु था किसी भी हो जाए मत पढ़वार अच्छी किसी करार अच्छी वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी एत सारा अच्छी जे पढ़वार अच्छी बास मत के ना या ना यही एग्जाम पे पढ़वि मत मो सिलेबस कंप्लीट कर मत मो जीएस रिजनिंग मैथ इंग्लीश कंप्यूटर देखार अच्छी से फ्लोर किसी भी एग्जाम होक्स्ट सी जी एल अच्छी ओ डबल एस रे वैकेंसी अच्छी ओ ट्रिपल एस रे वैकेंसी अच्छी तो मो मत एग्जाम तो होस पढ़वार थाए आ पढ़ा ही जरूरी एग्जाम तो कत ऑल द बेस्ट तुम मैंने सब डिसाइड कर तुम ये जो आज दस दिन जी दस दिन पाठ पढ़ार अच्छी ना दस वर्ष वेट कर दस दिन जब पाठ पढ़ो चाकरी कर तुम जीवन सारा एंजय कर आज दस दिन जब वेस्ट करदेव गला तुम जीवन सारा पूरा वेस्ट हो ऑल द बेस्ट थैंक यू प्लीज डू सब्सक्राइब।